यूपी पुलिस 49,568 के थर्ड बैच यानी कि पीएससी कैंडिडेट 18,208 को लेकर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, जिस पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा भाई, आप ज्यादा हाथ पैर पटपटाने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज कन्फर्म है। बट अगर आप अधिकतम अधिक मात्रा में या किसी के कहने से ट्वीट करेंगे, बार बार उसे रीट्वीट करेंगे या किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाने का कोशिश करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो या फिर वो ऑफलाइन आप फिजिकली करने का प्रयास करें, तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। बट मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी सपोर्ट में नहीं हूं, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट में हैं, और हम ये जानते हैं कि आपको लगभग 3 साल से सारी चीजों को वेट करना पड़ रहा है। तो भाई जब 3 साल से आपने वेट किया है तो प्लीज 3 से 4 महीने का और वेट कीजिए, आपकी सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। बाकी अपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आ गया है, ऑनलाइन आवेदन भी चल रही है, आप उसमें कराइए और उसकी तैयारी कीजिए। और यदि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है और आप यूपीएसआई को नहीं कर सकते, फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो और भी बहुत सारे अदर्स एग्जाम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा संयम बरतने का कोशिश करें, ज्यादा हाथ पैर पटपटाने की कोशिश ना करें। मैं ये चीज जानता हूं, जो लोग सेकंड बैच में जा चुके हैं वो लोग आपको भड़काने का कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी जब फर्स्ट बैच गया था तो उन लोगों को भी फर्स्ट बैच वालों ने भड़काया था। तो प्लीज आप किसी की राय ना प्राप्त करें, मैं सिर्फ यही फोकस करूंगा। सेकंड बैच का जेटीसी चल रहा है, उनका आरटीसी कंप्लीट होगा, लेकिन उसके कंप्लीट होने से 1 माह पहले आपका जेटीसी प्रारंभ हो जाएगा। और आप लोग अगर इस समय ज्यादा अपना मुद्दा उठा के रखना चाहेंगे तो 2022 में इलेक्शन होने हैं, हो सकता है कि आपका पीएससी का ट्रेनिंग फिर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए दिया चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी अपने दिमाग में ना रखें, कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, बाकी फालतू की चीजों को इग्नोर करते रहना है। फिलहाल आज के सेशन को रखें कि बस यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।